आप देख रहे हैं केवल सचखंड। शुभम गिल पहले कप्तान बने, जिन पर धीमी ओवर गति के कारण भारी भरकम जुर्माना लगा। गुजरात टाइटंस के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबला हर हाल में बुरा रहा। गुजरात को अपने आईपीएल इतिहास में रनों के लिहाज से सबसे बड़े शिकस्त झेलनी पड़ी। लगातार दो साल फाइनल में पहुंचने वाले गुजरात की आईपीएल में यह पहली शिकस्त भी रही। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल पर बुधवार को 12 लाख रुपए का जुर्माना लगा, क्योंकि उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ यह धीमी ओवर गति बरकरार रखने का दोषी पाया गया। आईपीएल ने अपने बयान में कहा है कि सीजन में पहला अपराध था पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। शुभम गिल के लिए चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ मुकाबले हर हाल में बुरा रहा। गुजरात टाइटंस को आईपीएल में 17वें सीजन में पहले शिकस्त का सामना करना पड़ा। गुजरात टाइटंस ने अपने आईपीएल इतिहास में रनों के अंतर से सबसे बड़े 63 रन से मुकाबले गवाया। चेन्नई इस जीत के साथ आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में शीर्ष स्थान पर पहुंचा। गुजरात टाइटंस की टीम तीसरे स्थान पर खिसक कर छठे स्थान पर पहुंची। चेन्नई के खिलाफ मैच हराने के बाद गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभम गिल ने कहा है कि विरोधी टीम ने उन्होंने बल्लेबाजी में मात दी और गेंदबाजी में उनकी योजना सफल रही। गिल ने साथ ही कहा है कि उनकी टीम 190 से 200 रन के लक्ष्य का पीछा कर सकती थी।